Assalamualaikum, dear students. Welcome to mechanics lecture number 43. In this lecture, we will discuss a special form of the motions that we call equilibrium. ठीक है कि equilibrium के बारे में हम discuss करेंगे इसी lecture में. I'm Dr. Parvez Ahmed. और आइए आज के lecture की तरफ जाते हैं. So what is equilibrium? Equilibrium या जिसको हम कहते हैं statics. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं और इसको कैसे डील करते हैं. सो यू नो दैट हमने न्यूटन लॉस के मुताबिक मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी है. सो एक जो वेल नोन फैक्ट है अबाउट द न्यूटन लॉ कि वहाँ पर हमने एक बात की कि व्हेन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, और जब हमारे पास क्या है, नेट टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो है, कि दो कंडीशंस है. एक हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर दो तरफ की मोशंस होती है. एक तो ट्रांसलेटरी मोशन होती है कि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह, बॉडी अपनी जगह चेंज करती है और एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाती है. और दूसरी हमारे पास रोटेशनल डायनामिक्स है, या रोटेशनल डायनामिक्स में हम कहते हैं कि बॉडी के जो मतलब है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, वो क्या करती है कि वो एक पॉइंट के गिर्द वो रोटेट करती है. ठीक है, मतलब वो अपनी जगह को, अपनी जो फिक्स पॉइंट है उसको छोड़ के नहीं जाती. ठीक है, तो बॉडी में दो तरह के मोशंस होती है. वन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड द अदर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टॉर्क. ठीक है, और दोनों में हम कहते हैं कि फोर्स का रोल होता है. एक में जो होती है वो टॉर्क होती है, दूसरे में फोर्स होती है. लेकिन टॉर्क में भी हम कहते हैं कि टॉर्क विदाउट फोर्स इवन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अब हम स्टैटिक को या इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं. सो हम कहते हैं कि अगर कोई बॉडी है और इस पर टोटल फोर्स वो क्या है, वो ज़ीरो है, और सिमिलरली हम कहते हैं कि टोटल टॉर्क भी ज़ीरो है, फोर्स भी जो टोटल फोर्स है, नेट फोर्स है, वो भी उस पर ज़ीरो है, और जो नेट टॉर्क है या टोटल टॉर्क है वो भी ज़ीरो है. सो इन सच कंडीशंस हम यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशंस को स्पेसिफाई करेंगे कि दिस डज नॉट इम्प्लाई नो फोर्स. मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई फोर्स नहीं है. अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स पे, तो नेट फोर्स मतलब यहाँ पर मुराद ये कि फोर्सेज होगी, बहुत सारी फोर्सेस होगी. लेकिन जब आप इसको, इसका इफेक्ट कैलकुलेट करोगे, मतलब जो टोटल फोर्सेस को आप ऐड करोगे, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी जीरो. तो मतलब कोई फोर्स बड़ा होगा, छोटा होगा, और मतलब होगा तो मतलब कुछ फोर्सेस ऐसी होगी कि तमाम के तमाम को आप ऐड करोगे तो वो उनमें से वो एक दूसरे के असल को ज़ाहिल करेंगे, और एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट निकल आएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, जो रिजल्ट निकल आएगा. क्योंकि हम देखते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. सिमिलरली टॉर्क इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो आप जब इनको कैलकुलेट करोगे, उनका जो टोटल होगा, जो नेट होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो. सो ओनली दैट वी हैव अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, कि हमारे पास यहाँ पर ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्पेशल केस है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट इज द नेट फोर्स इक्वल टू जीरो. कि अगर हमारे पास क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो and the net torque acting on the body is equal to zero, so hamare paas kya hogi, in such a conditions the body will be in a static positions. theek hai, ki us conditions mein ki agar kisi body pe jo hai summation of force is equal to zero, summation of torque, all the torque equal to zero, so the body will remain static. theek hai, or the body will said to be in a condition of equilibrium. ठीक है, कि अगर कोई हमारे पास बॉडी है उस पर जो नेट फोर्स है ज़ीरो है और नेट टॉर्क ही ज़ीरो है, तो इन सच कंडीशंस जो बॉडी की है पोजीशंस है, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम में है या वो स्टैटिक कंडीशंस में है. ठीक है, कि स्टैटिक के लिए हमारे पास ये दो कंडीशंस है कि टॉर्क ज़ीरो है, टोटल टॉर्क या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट ज़ीरो, सो द बॉडी विल सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. या सिंपली हम कहते हैं कि द बॉडी विल सेट टू बी इन द स्टैटिक आर एट रेस्ट, आर द बॉडी विल सेट टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इक्वल टू जीरो, आर द समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज इक्वल टू जीरो. सो ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज यू हैव अ बुक. ठीक है, कि मतलब इक्विलिब्रियम की हमारे पास एक बहुत ही अच्छी जो मिसाल है, that you can see it here in this particular figure. इस particular figure में आप देख सकते हैं कि we have a body that is a book.
ठीक है, और वो बुक स्टैटिक कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशंस में एक टेबल पे खड़ा, मतलब टेबल पे पड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब वो स्टैटिक कंडीशन में या इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और वी कैन से दैट द नेट फोर्स इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली द नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। दो कंडीशन ये पूरे हो रहे हैं, सो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम और द बॉडी विल बी एट रेस्ट। ठीक है, बॉडी रेस्ट की कंडीशंस में होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर समेशन ऑफ फोर्स हमारे पास जीरो है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों फोर्सेस इस पे लग रही है, मतलब फोर्सेस दोनों वो है बट दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज यू कैन सी दैट वी हैव द वेट ऑफ द बुक दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द नॉर्मल फोर्स दैट इज एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो बुक की जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट कर रही है और जो टेबल की रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स के फॉर्म में वो रिएक्ट कर रही है। अब दोनों फोर्सेस इक्वल है बट दे आर अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल ईच अदर, दे बैलेंस ईच अदर। ठीक है, वो दोनों बराबर है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, बुक एक स्टैटिक कंडीशंस में या इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे इसी टेबल पे पड़ा है। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेरियम, ये एक्वेरियम के हमारे पास एक अच्छी मतलब मिसाल है। सो कंडीशन फॉर द एक्वेरियम का, अगर हम कहते हैं कि कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशंस में है या एक्वेरियम कंडीशंस है, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशंस है। वो कंडीशन क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट, सो इट वुड मीन दैट द एक्सेलरेशन इज जीरो। कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास एक्सेलरेशन वो क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। सो वट विड इट मीन, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि द नेट फोर्स दैट वुड एक्ट ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू जीरो। कि बॉडी पे जो नेट फोर्स रिएक्ट करेगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि फोर्स आपको पता है कि दैट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन। सो एफ एक्सेलरेशन इज जीरो, सो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड दैट इज यू नो दैट इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ है कि बॉडी में क्या है, अगर टोटल फोर्स जीरो के बराबर है, ठीक है, या नेट फोर्स जीरो के बराबर है, सो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी की एक्सेलरेशन वो जीरो होगी। ठीक है, या इन कंपोनेंट फॉर्म, इसी को चूंकि वैक्टर हमारे पास आपको पता है, सॉरी जो फोर्स है दैट इज बीन अ वैक्टर, सो कंपोनेंट फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो, तो फोर्स जो है उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है मुख्तलिफ डायरेक्शंस में, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसका मतलब होगा कि तमाम के तमाम कंपोनेंट है उनका समेशन जीरो के बराबर है। वो चाहे एक्स कंपोनेंट हो उनकी समेशन भी जीरो के बराबर है, समेशन ऑफ वाई कंपोनेंट इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ द जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। कि बॉडी की पे जितने भी फोर्सेस वो लग रही है उनका जो सम है, जो वेक्टर सम है, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, हम कहते हैं कि बॉडी वो रेस्ट के फॉर्म में रहेगी और द बॉडी विल मेंटेन इन स्टेट ऑफ एक्विलिब्रियम एफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। बॉडी की रेंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, सो बॉडी रेस्ट के फॉर्म में वो रहेगी। व्हाट इट वुड मीन, इट वुड मीन दैट द नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। नेट टॉर्क जीरो है बिकॉज अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इट मीन दैट जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो जीरो है, या मतलब जो रोटेशन डायनामिक्स में हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ है उसी फॉर्म में हम इसको यू लिख सकते हैं। समेशन ऑफ टॉ इज इक्वल टू जीरो, इट मीन दैट रोटेशनल हमारे पास जो है रोटेशन डायनामिक्स में समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेसिकली द सेकेंड कंडीशन फॉर द एक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड बी रिमेम्बर दैट टॉर्क्स आर टेकन अबाउट एनी आर्बिट्री पॉइंट। कि टॉर्क को हम किसी भी आर्बिट्री पॉइंट्स के लिए मतलब उसको ले सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो बी रिमेंबर दिस इज बीन ट्रीटेड एज और दिस इज बीन टेकन एज सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास सेकेंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम के लिए। सो आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है, एक ट्रांसलेटरी मोशन के लिए और एक रोटेशन मोशन के लिए।
कि अगर बॉडी पे मतलब फोर्सेस लग रही है, लेकिन वो फोर्स सिंपल वर्ड में ये है कि वो फोर्स ना तो रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर सकती है और ना ट्रांसलेशन मोशन प्रोड्यूस कर सकती है, तो हम कहते हैं बॉडी हमारे पास क्या होगा, बॉडी रेस्ट की हालत में होगा। मतलब ये सिंपल कंडीशंस है। अगर हम इसको मतलब एक मोर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करें तो हम कहते हैं कि दो कंडीशंस है। एक पहली कंडीशन ये है कि तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे रिएक्ट कर रही हो उनका जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर हो, ठीक है, उनका जो वेक्टर सम है वो जीरो के बराबर हो। और दूसरी एग्जांपल ये है, दूसरी कंडीशन जो है वो ये है कि तमाम के तमाम जो टॉर्स है उनकी जो वेक्टर सम हो वो जीरो के बराबर हो, ठीक है, या जो नेट टॉर्क है सानल पाज में कहते हैं वो जीरो हो, सो बॉडी दैट विल बी कम्प्लीटली एट रेस्ट। तो बॉडी कम्प्लीटली रेस्ट फॉर्म में होगी अगर वो इन दोनों कंडीशन को वो फॉलो करेगी। कंसेक्शुअल एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव अ लीवर, ठीक है, सो लीवर को आप देख सकते हैं, वी हैव अ पर्सन, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स विद द हेल्प ऑफ दैट लीवर ऑन अ रॉक एंड ही ट्राइंग टू मूव दैट रॉक, ठीक है, उस रॉक को वो मूव कर रहा है। सो हियर यू सी द कंडीशंस ऑफ द पर्सन एंड दैट ऑफ अ रॉक, ठीक है, अब इन कंडीशंस को देख रहे हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन है, समेशन ऑफ टॉर्क्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ टॉर्क्स वो जीरो के बराबर है। सो अबाउट द फाइव पॉइंट, जो फाइव पॉइंट है, ठीक है, आप इस फाइव पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये हमारे पास जो पॉइंट पॉइंट है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू कैन सी दैट कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इट मीन दैट, इट वुड मीन दैट कि हमारे पास क्या है कि ये समेशन ऑफ टॉर्क जीरो के बराबर है, बट वी हैव द रिलेशन, वी हैव द फोर्सेस, वी हैव द टॉर्क, कि हमारे पास दो टॉर्क्स है, ठीक है, एक हमारे पास जो पॉइंट के गिर्द ये पॉइंट है, ठीक है, सो पॉइंट की जो टॉर्क है दैट इज गिवन बाय एम जी आर, ठीक है, एम जी बेसिकली फॉर द फोर्स दैट इज बीन कंसिडर्ड एज द वैट, ठीक है, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, ये आर की रेडियल ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है, ये रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, पॉइंट की जो रेडियल डिस्टेंस है ये मतलब है रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये इसका क्या है, ये इसका वेट है, ठीक है, ये जो बॉडी है इसका वेट है जो हमने फोर्स के तौर पे लिया, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड इज गिवन बाय एम जी, और ये जो क्या है दैट इज द रेडियल डिस्टेंस आर। तो मतलब ये हमारे पास पहला टॉर्क है। दूसरा टॉर्क मतलब यहाँ पर है पर्सन का है, ठीक है, वो पर्सन यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसकी जो डिस्टेंस है पॉइंट तक दैट इज बीन डिनोटेड बाय आर, ठीक है, उसको आर से हमने डिनोट किया हुआ है। सो दैट टॉर्क इज गिवन बाय द फोर्स अप्लाई बाय द पर्सन मल्टीप्लाई बाय द रेडियल डिस्टेंस, ठीक है, सो दोनों का हम कहते हैं समेशन इज इक्वल टू जीरो, दोनों के समेशन वो क्या है, जो नेट है दैट इज इक्वल टू जीरो, नेट उसका जीरो के बराबर है। या इससे अगर हम जो पर्सन की फोर्स है इसी रिलेशन से वो फाइंड आउट करें, सो दैट वुड मीन दैट द फोर्स दैट द पर्सन अप्लाइंग ऑन दिस रॉक, ठीक है, दैट इज इक्वल टू आर स्मॉल आर डिवाइडेड बाय द कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ द दैट पर्टिकुलर रॉक और दैट पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। सो व्हाट इट मीन दैट, अब यहाँ से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाए, यू कैन सी दैट के ये हमारे पास ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली है स्मॉल आर की जो वैल्यू है, हियर यू कैन क्लियरली सी दैट कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द कैपिटल आर, कि ये जो डिस्टेंस है इससे ये काफ़ी क्या है, स्मॉल है, ठीक है। सो व्हाट इट मीन, इट वुड मीन दैट द पर्सन फोर्स, ठीक है, कि पर्सन की जो फोर्स है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉलर देन द वेट ऑफ दिस बॉडी। अब यहाँ पर देखें कि अगर हम कहते हैं आर की वैल्यू स्मॉल है, ठीक है, आर की वैल्यू स्मॉल है तो यहाँ पर इसमें आप वैल्यू पुट करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो पर्सन है उसकी जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आर यू कैन से दैट लुक लाइक अ रॉक, ठीक है, कि अगर ये हमारे पास एक रॉक की तरह दिख रही है या रॉक है या कोई और बॉडी है तो उसके वेट से ये काफ़ी जो फोर्स बंदा अप्लाई कर रहा है वो काफ़ी कम है, ठीक है। सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट वी कैन लिफ्ट अ हैवी वेट विद अ स्मॉल फोर्स, इसी रिलेशन से हम ये मतलब हमें ये लग रहा है
कि मतलब एक पर्सन बहुत मामूली फोर्स से एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट को वो क्या कर सकता है, उठा सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास है लीवर प्रिंसिपल भी है, या कि लीवर हमारे पास हम कहते हैं एक सैंपल मशीन है, और इस सैंपल मशीन से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा काम मतलब ज़्यादा काम थोड़े वक्त में हम कर सकते हैं, या ज़्यादा काम या हैवी लोड को हम कम फोर्स के साथ उसको लिफ्ट कर सकते हैं। मतलब डिटेल्स हम आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इतनी डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब लीवर्स हम कहते हैं, जब सैंपल मशीन्स को आप डिस्कस करते हो तो कि आप कह उधर आप लोगों ने डिस्क्राइब किया था कि लीवर इज़ अ काइंड ऑफ सैंपल मशीन्स। सो व्हाट इज़ अ मशीन, आप लोगों कहते हैं मशीन इज़ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन डू मोर वर्क विद लेस एफर्ट एंड लेस टाइम, ठीक है, कि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं थोड़े से वक्त में और लेस एफर्ट के साथ। कि मशीन आप कहते हैं एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम लेस टाइम में ज़्यादा काम कर सकते हैं और लेस फोर्स से ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो बेसिक रिलेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब सैंपल आपने यहाँ पर वो अप्लाई किया और इसके रिजल्ट से आपने देख लिया कि एक पर्सन कैन लिफ्ट अ हैवी वेट विद स्मॉल फोर्स, ठीक है, स्मॉल फोर्स के साथ एक बंदा मतलब वो ज़्यादा फोर्स को वो उठा सकता है। और ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इस बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर, ये हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज है लीवर की। और लीवर हमारे पास क्या है, सैंपल मशीन की मतलब एक टाइप है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिस तरह हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, मतलब अगर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम्स। ये हमारे पास कंडीशन है इक्विलिब्रियम के, समेशन ऑफ फोर्सेस दैट नेट फोर्स इक्वल टू जीरो इन ऑल द डायरेक्शंस, ये तमाम डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर हो, और जो दूसरी कंडीशन है कि जो नेट टार्क है वो जीरो के बराबर हो, ठीक है। देन यू हैव टू अप्लाई, आपने पर अप्लाई करना है ये वाले रूल अप्लाई करना है, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज वन बॉडी एट ए टाइम टू कंसिडर, ठीक है, आपने एट ए टाइम एक बॉडी को कंसिडर करना है और उस पर ये जो कंडीशन वन है, ये जो कंडीशन है ये अप्लाई करनी है, ठीक है। दूसरी में है कि ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस, ठीक है, कि फ्री बॉडी डायग्राम आपने ड्रा करना है जिसमें तमाम के तमाम जो फोर्सेज वो रिएक्ट कर है उसको आप शो कर सको, ठीक है। Where the act for extended bodies gravity acts through center of mass, ठीक है, अगर extended body है तो उसके लिए आपको पता है कि जो center of mass है that act through the center of gravity, के हमारे पास क्या है, for extended bodies gravity acts through the center of mass, के extended body के लिए gravity through center of mass वो act करती है। Choose a convenient xy coordinate system, resolve forces into xy component, ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स के मोर देन वन कंपोनेंट है तो देन यू हैव टू यूटिलाइज द अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू डायमेंशन में तो टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट, थ्री है तो थ्री डायमेंशन कोऑर्डिनेट्स, एंड देन यू नो दैट हाउ टू ऐड देम, ठीक है, आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है वेक्टर स्केलर का या कंपोनेंट, हाउ टू रिजॉल्व वेक्टर एंड टू एंड कंपोनेंट्स, तो उसी के मुताबिक आपने इसको कंपोनेंट में डिसॉल्व करना है और फिर इसको सम अप करके वो जो फाइनल वैल्यू है वो मतलब आपने निकालनी है। सो देन यू हैव टू यूटिलाइज कंडीशन वन, चूज एक्सिस अबाउट विच द टॉर्क्स आर टेकन फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, कैन सैम्पलीफाई मैथ्स, ठीक है, आपने सैम्पली मैथ्स को वो करना है, मैथ्स को यूटिलाइज करके इस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व करना है। सो एनी फोर्स विद लाइन ऑफ एक्शन थ्रू एक्सिस गिव्स टॉ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और एट द एंड पे आपने यू हैव टू केयरफुली सॉल्व द इक्वेशंस, आपने केयरफुल इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब यू शुड बी एबल टू डील विद द अलजेब्रा, अलजेब्रा को आपने डील करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। एक एग्जांपल आपके पास है, सो इन दैट एग्जांपल यू कैन सी दैट वी हैव अ बॉडी ऑफ मास इक्वल टू 170 केजी that is been hanging around, ठीक है, वो है जो hanging around कर रहा है at an angle of 37 degree. So find the tension in the cord. आपने tension वो cord के अंदर find out करना है. तो यहाँ पर देखे conditions already sketch हमारे पास मौजूद है, free body diagram भी हमारे पास है, ठीक है, तो हमने tension जो है cord के अंदर वो find out करनी है, ठीक है. So you have to apply the simple conditions, that is the summation of forces along the y x axis is equal to zero. So x axis में
जो फोर्स है वो क्या है, समेशन ऑफ फोर्स वो जीरो है। तो यहाँ पर देखें अलॉन्ग द एक्स एक्सिस वी हैव टू फोर्सेस, ठीक है, हमारे पास टू फोर्सेस है जिसका नेट जीरो है। मतलब एक है FT1, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में है, मतलब इसी डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है। दूसरी जो है FT2, वो दूसरी डायरेक्शन में वो रिएक्ट कर रही है, बट दैट इज बीइंग रिएक्टेड थ्रू एंगल थीटा। सो FT1 माइनस इक्वल टू FT2 cos थीटा। वाई cos थीटा? बिकॉज इज मेकिंग सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब दोनों की डायरेक्शन वो क्या है वो मुख्तलिफ है। सिमिलरली वी हैव टू कंसिडर द सेकेंड कंडीशन, दैट इज द आई मीन हमने सेकेंड वो करना है कि सेकेंड में क्या है कि जो फोर्स का कंपोनेंट है अलॉन्ग द वाई एक्सिस, तो अलॉन्ग द वाई एक्सिस आप देख सकते हैं, मतलब अगर फोर्स को आप अलॉन्ग द वाई एक्सिस कंपोनेंट पे उसको रिजॉल्व करें, तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है कि अगेन हम कहते हैं कि जो समेशन ऑफ फोर्स है अलॉन्ग द वाई एक्सिस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मतलब हमारे पास है कि वाई एक्सिस, मतलब वी आर ऑलमोस्ट एट द सेकेंड क्वाड्रेंट हेयर, सो दिस इज बीन पॉजिटिव, ठीक है, दैट इज FT2 साइन थीटा माइनस, यहाँ पर हमारे पास क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में जो वाई कंपोनेंट है उसको बैलेंस कर रहा है कौन सा कंपोनेंट, वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, विच इज नेगेटिव, ठीक है, वो मतलब क्या है नेगेटिव, दैट इज माइनस mg। तो ये हमारे पास जो दूसरी कंपोनेंट है फोर्स की उसकी समेशन जीरो है। सो फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट आप देखें FT2 यहाँ पर देखें, मतलब यहाँ पर FT2 की वैल्यू आप निकालें, सो दैट विल बी इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहाँ पर वैल्यूज पुट करें। सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज, सो यू विल गेट दैट इट्स इक्वल टू 2768 न्यूटन्स, ये हमारे पास FT2 की वैल्यू निकल आई है। अब इसको पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में टू सॉल्व फॉर T1, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है, जो स्ट्रिंग में टेंशन है उसके लिए आप उसको वर्क पुट करें उधर। सो जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज, दैट इज 2211 न्यूटन, विच इज बेसिकली द रिक्वायर्ड टेंशन एंड द कॉर्ड, ठीक है, जो कॉर्ड के अंदर जो रिक्वायर्ड टेंशन है ये वाला, दिस इज बेसिकली FT1, ठीक है, ये FT1 है। सो जब आप वैल्यूज इधर पुट करोगे, सो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू 2211 न्यूटन, जो कि आपके पास क्या है, जो आपके पास मतलब है टोटल व्हाट जो रिक्वायर टेंशन इन द कार है वो, मतलब ये उसकी वैल्यू है। सिमिलरली यू हैव अनदर एग्जांपल दैट वी कंसीडर एज अ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम में आप देखें एक शीशा है, शीशा पे दो मतलब बच्चे वो बैठे हुए हैं कि वेट जो है 35 kg है, दूसरी की क्या है, दूसरी की है 50 kg, ठीक है, सो यू कैन सी दैट हाउ दे आर डूइंग द थिंग्स, कि मतलब वेट इज वेट जो मास है वो गिवन है, मास 1 इज 50 kg, मास 2 इज 35 kg, ठीक है, 35 kg, और मास 3 है, एक बॉडी यहाँ पर भी है, 7 है, दैट इज इक्वल टू 25 kg। अब जो लीवर है, जो डिस्टेंस है एल, ठीक है, जो लेंथ है टोटल जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 3.6 मीटर, ठीक है, मतलब ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। सो व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग फाइंड एक्स सो दैट द सीसा बैलेंस, कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ इज 3.6 मीटर्स, ठीक है, एक्स की ये वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स की वैल्यू है दैट वी हैव टू फाइंड आउट, बाकी जो मतलब है इट्स ऑलरेडी बीन गिवन। सो फाइंड द एक्स सो दैट द सीसा बैलेंस, सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द रिलेशंस, दैट इज द नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो, यहाँ पर ये कंडीशन आपने पुट करनी है, यू हैव टू टेक रोटेशन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ए, रोटेशन एक्सिस को जिस तरह हमने फ्री बॉडी डायग्राम में दिया गया दिया है कि पॉइंट रोटेशन पॉइंट को हमने लेना है अलोंग द पॉइंट ए, ठीक है, नाउ यू अप्लाई द कंडीशंस, दैट इज द नेट टॉर्क इक्वल टू नेट फॉर टॉर्क के लिए आपने जो रिलेशंस है, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा है कि हमारे पास जो नेट टॉर्क है मतलब वो जीरो है, तो यहाँ पर उसके लिए आपने क्या करना है, तमाम के तमाम की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, मतलब ये बॉडी यहाँ पर खड़ा है,
ठीक है, आई मीन ही इज लाइंग एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर लोकेशंस। तो जो जितने भी टॉर्स है, ठीक है, आप जितने भी पोजीशंस है उनके वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और फिर उसमें क्या करें, पुट इन नंबर्स, उसमें नंबर्स पुट करें एंड सॉल्व फॉर एक्स एक्स, ठीक है, और एक्स के लिए उसको सॉल्व करें। सो एक्स के लिए आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट द वैल्यूज दैट इज इक्वल टू 1.1 मीटर। तो आपके पास जो वैल्यू निकल आएगी दैट विल इक्वल टू 1.1 मीटर। सिमिलरली यू हैव अनदर प्रॉब्लम, एक बिल्कुल इसी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें वैल्यूज गिवन है, वेट गिवन है, ठीक है, बड़ी बॉडी है एक स्मॉलर बॉडी है, बड़ी बॉडी की वेट गिवन है और स्मॉलर बॉडी की भी वेट गिवन है, इट्स मेक एंगल थीटा, ठीक है, और जो लेंथ है टोटल वो है 1.7 मीटर्स और जो डायमीटर है डी दैट इज 1.35 मीटर्स। सो आपको कहा गया है कि मतलब जितने भी फोर्सेस है, टेंशन है या हैवी लोड है या वेट है, मतलब जितने भी फोर्सेस है आपने उसको फाइंड आउट करना है और उसके लिए आपने जो कंडीशंस है वो यूटिलाइज करनी है कि समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एंड यू हैव टू टेक रोटेशन एक्सिस थ्रू पॉइंट ए। अगेन हमने पॉइंट ए के गिर्द मतलब जो रोटेशन एक्सिस है ये हमारे पास पॉइंट ए है, इसके गिर्द आपने लेना है। सो अगेन यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज कि आपके पास जो प्रीवियस जो कंडीशंस है उसके मुताबिक आपने क्या करना है, अपने वैल्यूज पुट करनी है एंड फॉर दैट जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो उसमें जो गिवन क्वांटिटीज है उसको पुट करके और सिंपलीफाई करके आपके पास एक फाइनल वैल्यू वो निकल आएगी दैट इज टेंशन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, जो टोटल टेंशन एंड स्ट्रेंथ है टी इज इक्वल टू 708 न्यूटन। फिर आपने एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, एच को फाइंड आउट करना है और एच के लिए आपने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स है यू नो दैट इज इक्वल टू जीरो, उसके लिए आपने ये जो रिलेशंस है यहाँ पर जो हैंग मतलब है उसके लिए हमारे पास है जो रिलेशन आती है इधर, आप इसमें इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास पहले आपने ये एफ टी की वैल्यू निकाली है, अब इसी को आप देखें समेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट और समेशन ऑफ द एक्स कंपोनेंट इसी ट्रायंगल के मुताबिक दैट इज इक्वल टू द हैंग एच, ठीक है, एफ हैंग एच माइनस एफ टी कॉस थीटा। सो इससे आप वैल्यू निकाले वो ये जीरो है, एफ हैंग एच इज इक्वल टू और यहाँ पर वैल्यू पुट करें सो इट विल बी इक्वल टू 580 न्यूटन। फिर वाई कंपोनेंट का आप निकाले सो वाई कंपोनेंट के लिए सेम चीज़ों को रिपीट करें, हैंग वी को एफ हैंग वी, ठीक है, प्लस एफ टी साइन थीटा माइनस एम जी माइनस कैपिटल एम जी दैट वुड लीड टू एफ एच वी दैट विल बी इक्वल टू माइनस 6 न्यूटन, माइनस 6 न्यूटन की वैल्यू निकल आएगी। एंड अगेंस्ट वी हैव अनदर प्रॉब्लम, बिल्कुल इसी तरह का प्रॉब्लम नंबर 21 है, उसी के वैल्यू गिवन है। सो आपने बिल्कुल सेम जिस तरह के प्रीवियस प्रॉब्लम था उस तरह के कंडीशंस को यूटिलाइज करके जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको यूटिलाइज करके आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री नॉलेज है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक नॉलेज के मुताबिक आपने बढ़ना है। सो आपने जो है समेशन ऑफ टाई इज इक्वल टू जीरो और उसी कंडीशंस को अप्लाई करके आपने क्या करनी है जो ट्राइगोनोमेट्रिक क्वांटिटीज है उसको लिखना है, फिर सिंपली इनके अंदर पुटिंग करनी है और आपके पास निकल आएगी वैल्यूज जो मतलब है टोटल फोर्स है या टोटल स्ट्रेंथ है उसमें वो वैल्यू निकल आएगी, फिर समेशंस फोर्स अलॉन्ग द वाई कंपोनेंट आपको पता है वो जीरो है तो जो बाकी कंपोनेंट है या जो रिक्वायर थिंग है उसकी वैल्यू आपके पास वो निकल आएगी। सो द ओनली थिंग यू नीड टू डू दैट शुड ये शुड बी एक्सपर्ट एंड द ट्राइगोनोमेट्री, जो ट्राइगोनोमेट्री है आपको इनका पता होगा, आपको वेक्टर एंड स्केलर का पता होना चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि हाउ वी रिजॉल्व वेक्टर एंड टू इट्स कंपोनेंट, ठीक है। सो इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, ये इसी कोर्स का आखिरी लेक्चर था। सो आई होप कि आप लोगों ने कोर्स को इंजॉय किया होगा। सो इंशाल्लाह किसी दूसरे कोर्स के लेक्चर के साथ ही बहुत जल्दी आपके खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।